हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बताता है और डिफाइन करता है कि स्टेट को, यानी स्टेट क्या होता है और स्टेट जो है किन किन चीजों से कंप्राइज होके बनता है। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो हमें गिवन है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 12 स्पेसिफिकली डील करता है व्हाट इज अ स्टेट। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कंप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है? इसमें इंक्लूडेड होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लॉज बने हुए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, और वही पार्लियामेंट का काम होता है लॉज को बनाना, लेजिस्लेचर का काम होता है हमारे लॉज को बनाना। दूसरा जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। इसके अंदर वापस से एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ दी स्टेट इंक्लूडेड है, यानी स्टेट के लिए जो लॉज इंप्लीमेंट कर रहे हैं और स्टेट के लिए जो लॉज बना रहे हैं। इसके बाद इसमें इंक्लूडेड होते हैं हमारी लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज जो इंडिया के अंदर है, लोकल अथॉरिटीज का बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे विलेज पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब है जो है वो लोकल अथॉरिटीज के अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके बाद जो आता है वो होता है अदर अथॉरिटीज। अब सारा डिस्प्यूट इन अदर अथॉरिटीज को लेके ही रेज होता है कि कौन सी अथॉरिटीज को हम अदर अथॉरिटीज के अंदर कैटेगराइज करें और किसको नहीं, क्योंकि अदर अथॉरिटीज में हमें ये डिफाइन करना है कि कौन सी अथॉरिटी स्टेट के अंदर आएगी और कौन सी नहीं। तो इसी से रिलेटेड जो है काफी सारे जजमेंट्स हैं जिनके बारे में हम आज की वीडियो में डील करेंगे। तो ऑल दी लोकल एंड अदर अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है वो सब भी क्या होती है, स्टेट के अंदर आती है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर वो फॉल होती है। लेकिन हमने इतनी सारी लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी सब पढ़ा, लेकिन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जिसके पास पावर है या जो कमांड करने की पावर रखता है, और ये अथॉरिटी कोई भी पर्सन भी हो सकता है और कोई बॉडी भी हो सकती है। सो आर्टिकल 12 के अंदर अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर टू मेक लॉज, कि हम केस को क्या लॉज बना सकते हैं, कौन से लॉज को एनफोर्स किया जा सकता है। तो इन सब चीजों की जो पावर जिसके पास होती है उसको हम अथॉरिटी मानते हैं। जब हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटी की, तो जैसा कि मैंने बताया लोकल अथॉरिटी का क्या मतलब हो सकता है, हमारी म्यूनिसिपैलिटी कमिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर बॉडी ऑफ कमिश्नर या कोई भी अथॉरिटी जो कि लीगली एंटाइटल्ड है, इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट द्वारा कि उसके पास पावर है कि वो म्यूनिसिपल या लोकल फंड को जो पावर कर सकती है उन्हें कोई कमांड दे सकती है। लोकल अथॉरिटी में हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज हैं, ये सारी इंक्लूडेड होती हैं। साथ साथ विलेज पंचायत भी जो है वो लोकल अथॉरिटी की कैटेगरी में आएंगी, और ये बात कही गई थी इन द केस ऑफ अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे ये कहा गया था कि लोकल अथॉरिटी के मीनिंग के अंदर विलेज पंचायत को भी इंक्लूड किया जाए, तो इसलिए केस इंपॉर्टेंट है, वो है अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। अब हम अपना मेजर इशू पे चलते हैं जो कि है अदर अथॉरिटीज, क्योंकि जुडिशरी को बहुत बार ये डिटरमाइन करना पड़ा कि कौन सी अथॉरिटीज अदर अथॉरिटीज के अंदर आएंगी और कौन सी नहीं। तो ये जो टर्म है अदर अथॉरिटीज जो हमें आर्टिकल 12 में गिवन है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना ही वो हमारे जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर डिफाइंड है, ना ही किसी और स्टैट्यूट में डिफाइंड है। तो कैसे पता चलेगा, कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे कि कौन सी अदर अथॉरिटीज स्टेट के अंदर फॉल करेंगी और कौन सी नहीं, और ये जो फंक्शन है गवर्नमेंट का वो कैसे बताया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो फंक्शन कर रहे हैं वो स्टेट के अंदर जाएंगे या नहीं। तो इसके लिए हमने हेल्प ली हमारी जुडिशियरी की, और बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू जुडिशियरी ने ये डिटरमाइन किया कि कौन सी अदर अथॉरिटीज स्टेट के अंदर फॉल करेंगी और कौन सी नहीं। तो सबसे पहला केस है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल इवॉल्व किया, और उस प्रिंसिपल का नाम था एजिस्टम जेनेरिस, जिसका मतलब है ऑफ द लाइक नेचर।
यानी इसमें ये कहा गया कि ओनली दोज अथॉरिटीज जो कि कवर हो सकती हैं अंदर अदर अथॉरिटीज में, सिर्फ वही अथॉरिटीज कवर होंगी जो कि गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं या फिर कोई सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली डिस्टिंग्विश किया कि कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट फंक्शन या सॉवरेन फंक्शन कर रही है उसको हम क्या मानेंगे, स्टेट की अदर अथॉरिटीज के अंदर मानेंगे और बाकी को नहीं। और ये भी कहा गया कि इसमें कौन कौन इंक्लूडेड नहीं होंगे, इसमें कोई भी पर्सन, नेचुरल और जुरिस्टिक या फिर कोई भी अनएडेड एक्टिविटी, अनएडेड यूनिवर्सिटीज जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। तो इस केस, ये केस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल इवॉल्व किया, वो था प्रिंसिपल ऑफ एजिडिस्टम जेनरिस, जिसका मतलब था ऑफ द लाइफ नेचर। लेकिन इसके बाद जो केस आया, वो जो केस था उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वहां कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रिंसिपल को। और ये भी कहा साथ साथ कि हम इतने इजीली जो है सिर्फ इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि अच्छा गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, सॉवरेन फंक्शन कर रही है तो है, वरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से इंटरप्रेट करना जो है वो गलत हो जाएगा। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो बॉडीज हैं, जो अदर अथॉरिटीज जो हमने नाम दिया है, इनका कोई कॉमन जेनस नहीं है, ठीक है, और ये एक सिंगल कैटेगरी के अंदर इन्हें ऐसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ये रैशनल नहीं है। और इसीलिए उन्होंने जो प्रिंसिपल था एजिस्टम जेनरिस का, उसे जो है डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद केस आया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अदर अथॉरिटीज जो है क्या क्या इंक्लूड करेगा। उन्होंने बताया कि अदर अथॉरिटीज में इंक्लूडेड होंगी कोई भी अथॉरिटी जो कि क्रिएट की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट, या फिर जिनके ऊपर हम पावर्स आर कन्फर्ड बाय लॉ, किसी लॉ के थ्रू, किसी स्टैट्यूट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर उन अथॉरिटीज को पावर दी गई है तो उन्हें हम अदर अथॉरिटीज के अंदर जो है शामिल करेंगे। सो सच स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नीड नॉट टू बी एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शन। अगर इन्हें किसी लॉ के अंदर, किसी स्टैट्यूट के अंदर जो है पावर दी गई है तो ठीक है, उन्हें अदर अथॉरिटीज में हम मानेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट का ही फंक्शन कर रही हो या कोई सॉवरेन फंक्शन ही कर रही हो। तो इस कोर्ट ने कहा कि ये इमेटीरियल है कि जो पावर दी जा रही है बॉडी को कि वो कॉमर्शियल नेचर की है या वो गवर्नमेंट द्वारा है या सॉवरेन फंक्शन है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये अथॉरिटी किसी स्टैट्यूट के अंदर, किसी एक्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है तो इसे हम अदर अथॉरिटी की कैटेगरी के अंदर मानेंगे। इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर द हेडिंग अदर अथॉरिटी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस आया, वो आया केस ऑफ आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। यहाँ पे कोर्ट ने 5 टेस्ट बताए जो कि ये डिटरमाइन करेंगे कि किसको हम अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में माने और किसको नहीं। तो उन टेस्ट में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास एंटायर शेयर कैपिटल जो है वो ओन्ड और मैनेज बाय है स्टेट से, या फिर जो अपना मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करती है, या फिर जिसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन, यानी स्टेट ने कुछ पावर्स उसको ट्रांसफर की है, या फिर जिसका ऐसा कैरेक्टर है जो गवर्नमेंटल है इन एसेंस, या फिर जिसके पास डीप और परवेसिव स्टेट कंट्रोल है, या फिर जो मोनोपोली एंजॉय करता है, जिसके पास ऑब्जेक्ट है उस अथॉरिटी का, तो अगर कोई भी अथॉरिटी इन 5 टेस्ट को जो है उसके अंदर फॉल होती है तो वो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर आई। इसके बाद केस आया अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा, वहां पे वापस टेस्ट की बात हुई और जो टेस्ट उन्होंने डिटरमाइन किया कि अगर इन टेस्ट के अंदर वो फॉल हो रहे हैं तो उसमें ये बताया जाएगा, ये टेस्ट ये जानने में हेल्प करेगा वेदर अ ज्यूरिस्टिक पर्सन इज स्टेट इज नॉट हाउ टू हैज बीन ब्रॉट बट वाई इट हैज बीन ब्रॉट, कि भाई ये स्टेट है या नहीं है ये जानने से पहले क्यों हम इसे इसमें फॉल करवाना चाह रहे हैं, क्यों ये इस कैटेगरी में आएगा, ये समझने की कोशिश करेगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस आया, वो था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसीजेन। इसके अंदर वापस से कुछ टेस्ट बताए गए कि उस अथॉरिटी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जो फंक्शन है क्या काम करेगा वो डिफाइंड होना चाहिए,
उनके पास पावर होनी चाहिए फंड रेस करने की, या फिर वो ऑटोनॉमी इंजॉय करती हैं, या फिर दे आर इंटरेस्टेड बाय अ स्टैट्यूट विद फंक्शंस विच आर यूजुअली इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी. यानी वो कोई ऐसा फंक्शन कर रहे हैं जो जनरली म्युनिसिपैलिटी को दिया जाता है, बट अब किसी स्टैट्यूट के थ्रू उनके ऊपर भी ये पावर दी गई है. तो इस तरीके से ये सारे केस लॉज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से टेस्ट डिटरमाइन किए गए हैं, ये जानने के लिए कि वो पर्टिकुलर बॉडी या कॉरपोरेशन अदर अथॉरिटी के अंदर फॉल करेगा या फिर नहीं करेगा. इसके बाद जब हम अदर अथॉरिटीज को समझ लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सबके दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या स्टेट इंक्लूड करता है जुडिशरी को भी, वेदर स्टेट इंक्लूड जुडिशरी, क्या जुडिशरी को भी स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. ये क्वेश्चन क्यों रेज होता है, क्योंकि जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, एग्जीक्यूटिव हुआ, लेजिस्लेचर हुआ, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी के लिए ये कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है. इन जुडिशरी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है पॉलिटिकल नेचर क्या है, उससे कुछ नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली अपना जजमेंट देती है. लेकिन यहाँ पे जब ये क्वेश्चन रेज हुआ तो ये बताया गया कि जुडिशरी जब कोई भी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तो उस समय जो है जुडिशरी जो है वो स्टेट की कैटेगरी में ही नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि जुडिशियरी का काम जो जजमेंट पास करना है, जब वो अपना काम कर रही है, जुडिशियल नेचर का काम कर रही है, तो वो इंडिपेंडेंट है. लेकिन जब कभी भी जुडिशियरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन दे रही है, या कोई रूल बना रही है, तो उस केस में जुडिशियरी भी स्टेट की तरह स्टेट की कैटेगरी के अंदर फॉर्म होगी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट it lies in the distinction between the judicial and the non-judicial function of the state. So, जब भी court जो है non-judicial function perform कर रहा है तो वो state की definition के अंदर fall होगा, और जब court जो है judicial function perform कर रहा है तो वो उस समय state की definition के अंदर fall नहीं करेगा. So, this was all about state, what do we understand by state. I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. And in case you have any query in regard to legal matters or law exams, you can reach out to me on my email ID or on my Instagram ID. The link for the same is provided in the description below. Thank you very much.